हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजय सिंह, और आज का वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम CSIR लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मेरे से ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं और ख़ासकर MSc फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, वो अक्सर पूछा करते हैं, सर ये CSIR लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन है क्या, नेट और JRF में डिफरेंस क्या है, हमारा इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हमें कितना टाइम लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस का सलूशन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये CSIR लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स हैं। देखिए, हर वो स्टूडेंट्स जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, वो भी लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट से, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने MSc में एडमिशन ले लिया है तो आप इस CSIR लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम देखते हैं ये नेट और JRF ये क्या डिफरेंस है इनमें। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब आप CSIR लाइफ साइंस का एग्ज़ाम देते हो तो कुछ जो मेरिट में स्टूडेंट्स होते हैं उनको नेट प्रोवाइड किया जाता है, यानी नेट के लिए एलिजिबल माना जाता है। नेट से आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन नेट से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलती है फॉर द होल टाइम, यानी आप पूरे ज़िंदगी भर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। यानी पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो। उसी एग्ज़ाम में कुछ नंबर ज़्यादा आने पे, जनरली 10 से 12 नंबर ज़्यादा आने पे, आपको JRF की फेलोशिप अवार्ड होती है। जो स्टूडेंट्स JRF के अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं उनको नेट का बेनिफिट तो मिलता ही है, यानी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी तो मिलती ही है, साथ ही साथ अगले 5 साल तक रिसर्च करने के लिए उनको एक फेलोशिप मिलती है। जो अभी JRF की फेलोशिप है वो ऑलमोस्ट 37,000 पर मंथ है, जो आपको पूरे 5 साल तक मिलती है, जिसमें आप 2 साल एज अ JRF काम करते हो और 2 साल के बाद आपका JRF कन्वर्ट हो जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, यानी SRF में, और आपकी फेलोशिप और इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया CSIR लाइफ साइंसेज नेट JRF एग्ज़ाम होता क्या है, आप उनके लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। सवाल ये होता है कि ये एग्ज़ाम आखिर कब होता है। देखिए, कोविड से पहले, यानी जब से ये 2020 में कोविड आया है, उससे पहले ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता था, और वो 2 मंथ होते थे जून एंड दिसंबर। ये हमेशा फिक्स रहता था, सालों से CSIR का नेट और JRF का एग्ज़ाम हमेशा जून मंथ और दिसंबर में, यानी साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता था। बट कोविड की वजह से ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न डिले हो गया है, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो डिले हो गया है, और अभी तक दिसंबर तो 2020 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो अब ये आ गई, अब हम लोग बात करते हैं CSIR लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम के सिलेबस की। आखिर इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो देखिए ये पूरे सिलेबस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, और इसके सिलेबस को 13 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। ये 13 की 13 यूनिट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है, जैसे कि पहले यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड सेल बायोलॉजी, थर्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी जिसमें हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फोर्थ यूनिट है सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, और इसी फोर्थ यूनिट में ही हम लोग कैंसर बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिफ्थ यूनिट है डेवलपमेंट बायोलॉजी, सिक्स्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, नेक्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, नाइन्थ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, टेंथ इकोलॉजी, इलेवेंथ इवोल्यूशन। 12 और 13 यूनिट ऑलमोस्ट एक जैसी ही यूनिट है, जहाँ पे 12th यूनिट में आपको अप्लाइड बायोलॉजी देखने को मिलती है, वहीं 13th यूनिट पे मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टेक्निक्स कह सकते हैं, वो देखने को मिलती है। तो ये टोटल 13 यूनिट आपके CSIR लाइफ साइंस के सिलेबस में है। सवाल ये उठता है, बच्चे पूछते हैं क्या सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताइए, कुछ ऐसे यूनिट्स बताइए जिनको पढ़ के हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। देखिए, पहली चीज़, मैं आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट यूनिट नहीं बता सकता हूँ, और इवन कोई भी टीचर कभी भी इनमें से ये कह दे कि ये 2 यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको सिर्फ पढ़ के जाइए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है।
हाँ, मैं ज़रूर ये बता सकता हूँ कि किस यूनिट से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं और किन यूनिट से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मैं ये दो यूनिट मैंने अंडरलाइन कर रखी है, यूनिट 9 एंड यूनिट 11, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड इवोल्यूशन। ये कंपैरेटिवली छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको कंपैरेटिवली बायोकेमिस्ट्री के, सेल बायोलॉजी के आपको क्वेश्चंस कम दिखें, क्योंकि इनका सिलेबस ही छोटा है। इवोल्यूशन में आपको मोस्टली जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन मिलते हैं, दो या तीन क्वेश्चन ही आपको जनरली देखने को मिलेंगे, या इवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, तो ये दो यूनिट से आपको क्वेश्चन कम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या हमें 13 की 13 यूनिट पढ़ना जरूरी है? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊंगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन के, यानी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस में से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही करने होते हैं। तो आप स्मार्टली, अगर आप 5 महीने में अपने CSIR लाइफ साइंस के सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप स्मार्टली कुछ यूनिट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं कि इन यूनिट्स को हम पढ़ के जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 2-3 यूनिट में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कभी आप नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट 6-8 यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी ही होगी इस CSIR लाइफ साइंसेज के एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए वो यूनिट कौन सी होती हैं, वो एक सब्जेक्टिव बात है। जैसे कि कोई बॉटनी, MSc बॉटनी का स्टूडेंट है, उसको प्लांट फिजियोलॉजी कंपैरेटिवली इजी यूनिट लगेगी इन कंपैरिजन टू द एनिमल फिजियोलॉजी। आप बात समझ में आ रहे हैं? MSc जॉलजी के स्टूडेंट को एनिमल फिजियोलॉजी इजी यूनिट लगेगी इन कंपैरिजन टू द प्लांट फिजियोलॉजी। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। अगर कोई बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री एक इजी यूनिट होगी किसी और स्ट्रीम के बच्चे के लिए। तो इसलिए अगर आपको कोई ये कहता है कि नहीं बायोकेमिस्ट्री ही पढ़िए, नहीं प्लांट फिजियोलॉजी ही पढ़िए, तो ये गलत बात होगी। क्योंकि अगर आप जब एग्ज़ाम देखोगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और उनमें से आप क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको मिनिमम 6-8 यूनिट कवर करनी ही होगी। अब आते हैं बुक्स या स्टडी मटेरियल पे। बहुत से बच्चे ये पूछा करते हैं, सर हम कौन से बुक से पढ़ाई करें? तो देखिए, मैंने दो टाइप की बुक्स यहाँ लिख रखी हैं। एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक वो होती हैं जो लेंदी हैं, मोस्टली फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं, और जिनको पढ़ने के लिए आपको बहुत वक्त की ज़रूरत है। लेकिन नो डाउट, उन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट या दूसरे स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको याद रखना होगा, ये जो मैंने बुक्स लिख रखी हैं, ये रेफरेंस बुक लिख रखी हैं, और इनको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। 5 महीने में ये सारी बुक आप फिनिश नहीं कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट, अपने सब्जेक्ट के बेटर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन बुक को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने बुक लिख रखी है लेनिंजर, बहुत ही फेमस बुक है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इसको बहुत प्रेफर करते हैं। सेल बायोलॉजी के लिए मैंने लॉडिश की बुक लिख रखी है। मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए JD वॉटसन की बुक आती है। सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी के लिए 2 बुक्स मैंने लिख रखी है, एक ओवेन की और कुबे ज़्यादा फेमस बुक है स्टूडेंट्स में। डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो ये बुक है गिलबर्ट, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको इस बुक का कोई ऑप्शन अभी तक मार्केट में नहीं मिला है। यानी गिलबर्ट में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के केसेस दिए हुए हैं, वो केसेस को CSIR एज इट इज़ उठाता है अपने क्वेश्चन में। तो ये बुक तो एसेंशियल है आपके लिए, इस बुक का कोई ऑप्शन नहीं है गिलबर्ट। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए एक बहुत अच्छी बुक है तेज एंड जिगर। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए मैंने एक इंडियन ऑथर की बुक को पिक किया हुआ है, रस्तोगी। जेनेटिक्स के लिए आप सिमंस की बुक देख सकते हो। इकोलॉजी में अगेन मैंने 2 बुक लिख रखी है, ओडम की बुक है और PD शर्मा की बुक है। कॉमन बुक है PD शर्मा, आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान देखी होगी। अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए मैंने कॉमन बुक लिख रखी है, विल्सन एंड वॉकर की और BD सिंह की बुक पूरी प्योरली डेडिकेटेड है बायोटेक्नोलॉजी पे, जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं। तो ये तो बात हो गई रेफरेंस बुक की। रेफरेंस बुक अगेन मैं बताऊँगा टाइम टेकिंग है, आपको अच्छा खासा वक्त चाहिए, और ख़ासकर वो स्टूडेंट जिनको बुक से पढ़ने की आदत है वो रेफरेंस बुक ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो बहुत कॉस्टली। जैसे कि आपको लेनिंजर की बुक,
तेज एंड जीगर की बुक, ऑलमोस्ट 10,000 की रेंज में ये बुक्स चली जाती हैं अगर आप इनको ऑफलाइन परचेज करना चाहें तो। मोस्टली इन बुक्स का आपको ऑनलाइन PDF मिल सकता है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स या दूसरे स्टडी मटेरियल्स के लिए जो आपके लिए एसेंशियल हैं। आपने इस पब्लिकेशन का नाम बहुत ही कॉमनली सुन रखा होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, जो बच्चों ने नहीं सुन रखा होगा, खासकर जो BSc लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता दूं, पाथफाइंडर पब्लिकेशन की लाइफ साइंसेस Part 1 और Part 2, ये दो बुक को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो CSIR की प्रिपरेशन करते हैं, CSIR लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको ये दो बुक जरूर रिकमेंड करेंगे, लाइफ साइंसेस Part 1। और क्या उसकी वजह है, उसकी खासियत क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप CSIR लाइफ साइंस का एग्ज़ाम अपनी लाइफ में पहली बार देने जा रहे हैं, अगर आप CSIR लाइफ साइंस की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको ये दो बुक तो रखनी ही चाहिए, लाइफ साइंसेस Part 1 and Part 2। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बुक भी नहीं है, आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाएंगी। नेक्स्ट, पाथफाइंडर पब्लिकेशन की एक और बुक आती है इकोलॉजी, इसके साथ इन्होंने बुक निकाल रखी है टेक्निक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी की। लेकिन जितना रिकमेंड मैं इनकी लाइफ साइंसेस Part 1 Part 2 को कर रहा हूँ उतना ही रिकमेंड मैं इनकी टेस्ट एंड इवोल्यूशन को कर रहा हूँ। देखिए CSIR की जब भी आप प्रिपरेशन करें या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की भी बहुत ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में CSIR में आपको लगता है आपने सेल बायोलॉजी पढ़ ली, लेकिन आप क्या सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, वो क्वेश्चन जानने के लिए आपको ये दो बुक मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, एक टेस्ट एंड इवोल्यूशन जो कि होती है पाथफाइंडर पब्लिकेशन की, और दूसरी बुक है कैटलिस्ट। इन दोनों बुक्स में आपको आज तक CSIR के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि PhD कैटलिस्ट में, खासकर PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम ISC बेंगलुरु के, JNU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंसेज, ICMR के एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दो बुक आपके पास होना मस्ट है अगर आप CSIR लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं, वो आप कर पाओगे या नहीं। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो CSIR लाइफ साइंस का एग्ज़ाम होता है ये टोटल 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं और उनमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो CSIR का सेक्शन ए है वो 30 मार्क्स का होता है। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन करते हो तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सेक्शन ए में, जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था आपको आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए सेक्शन बी में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस करने होते हैं मैक्सिमम। 35 से ज़्यादा आप करोगे तो आपका क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। तो 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 35 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन बी के मार्क्स होते हैं वो टोटल 70 मार्क्स होते हैं। और सब सेक्शन बी में क्वेश्चन किसके आते हैं, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये जो पूरी आपकी यूनिट्स हैं इन्हीं के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगा सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आपके बात करते हैं सेक्शन सी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है CSIR की। आप देख सकते हो सेक्शन सी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास कितना ऑप्शन है, कितना ज़्यादा ऑप्शन है।
75 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसलिए हम ये कह सकते हैं सेक्शन सी जो है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का है। तो हम एक तरीके से ये टोटल अगर इसको काउंट करें तो जो हमारा CSIR लाइफ साइंस का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सवाल ये उठता है आखिर सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ही जो आपका ये सिलेबस है इसी सिलेबस में से क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आप कोई प्लांट फिजियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने किसी हार्मोन ऑक्सिन का रोल पढ़ रखा है, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूट डेवलपमेंट में या एब्सिशन में किस हार्मोन का रोल है या एथाइलीन हार्मोन का प्रिकर्सर कौन है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सेक्शन बी में। किसी भी तरीके से आपको जेनेटिक्स के, इकोलॉजी के लिए कोई भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सेक्शन बी में। लेकिन सेक्शन सी में जनरली क्वेश्चन को बड़ा किया जाता है, यानी क्वेश्चंस में केसेस डाले जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में केसेस डालना या कंडीशंस डालना क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एथाइलीन का रोल एब्सिशन में है। मान लीजिए एथाइलीन का रोल लीफ एब्सिशन में है, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन सेक्शन सी का क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, जैसे वो ये पूछ सकता है कि एक रिसर्चर अपनी लैब में रिसर्च करते हुए ये पाया कि एक केमिकल को डालने से प्लांट्स में लीफ एब्सिशन का रेट बढ़ गया है और उसके कोई इनहिबिटर डालने से, आप समझ रहे हो मेरी बात, कंडीशंस देगा तो आपको क्या लगता है वो केमिकल कौन सा है। तो आपको ये रिलेट करना है। सेक्शन सी में हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस देखने को मिलेंगी, केसेस देखने को मिलेंगे, वो सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस का मार्क्स आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए, 20 क्वेश्चन भी कर लिए आउट ऑफ 75, तो 20 × 4 आप 80 मार्क्स पहुंच जाओगे। तो आप समझ सकते हो सेक्शन सी कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब सवाल ये उठता है, देखिए एक चीज और, निगेटिव मार्किंग। CSIR में निगेटिव मार्किंग भी होती है और वो निगेटिव मार्किंग होती है 25%। यानी कि अगर आप सेक्शन सी का कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 4 का अगर 25% हम करें तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी के कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो चूंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की कट ऑफ की, एक जनरल कट ऑफ इस एग्ज़ाम की क्या है। देखिए ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम की कट ऑफ हर बार चेंज होती रहती है, लेकिन अगर एक जनरल कट ऑफ में आपको बताऊं तो जनरल कट ऑफ है ये आपका 200 नंबर का पेपर था, ठीक इसका आप 50% कर दीजिए, दैट इज 100 मार्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द, और ये मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ, तो यानी कि और भी जो कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं OBC, SC, ST, EWS ये इससे नीचे ही रहेंगी। तो मैं हाईएस्ट कट ऑफ की एक लगभग आपको मार्क्स बता रहा हूँ, 100 मार्क्स यानी 200 का जस्ट हाफ कर दीजिए, 100 मार्क्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगेन सेइंग ये एक क्यूमुलेटिव मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, 100 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेट ईजिली मिल जाएगा। यानी आप देख सकते हो किसी एक एग्ज़ाम में आप 50% मार्क्स भी ले आते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ईजिली नेट क्लियर कर लोगे। इससे 10 से 15 ज़्यादा नंबर लाने पे आप इवन JRF भी क्लियर कर लोगे। आपको लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी है हमारे लिए, ऑब्वियसली इतने ढेर सारे क्वेश्चन, इतने ऑप्शन और इतनी लो कट ऑफ, फिर भी इस एग्ज़ाम का कंपटीशन इतना हाई क्यों होता है। तो अब मैं बात करता हूँ इस एग्ज़ाम का कंपटीशन इतना हाई क्यों होता है। CSIR उन चुनिंदा एग्ज़ाम्स में से एक एजेंसी है, वो चुनिंदा एग्ज़ाम कराती है जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस एकदम ही नहीं होते हैं।
आप अगर टेस्ट एंड इवोल्यूशन और कैटलिस्ट को लेंगे, आप पिछले 10 सालों के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, जिसमें कि तो आपको टोटल 20 क्वेश्चन पेपर सीएसआईआर के देखने को मिल जाएंगे, आपको हार्डली एक या दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कभी रिपीट हुए हैं। सीएसआईआर में एग्जाम क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। हाँ, ये जरूर है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से सीएसआईआर बार बार क्वेश्चंस पूछता है, और आपको पढ़ते समय उन टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे कि इवन आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स देख लीजिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम देख लीजिए, बहुत से ऐसे इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स कराती है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सीएसआईआर में अगर कोई ये सोचे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाएं एग्जाम देने, तो ये पॉसिबल नहीं कि आपका सिर्फ एग्जाम उसी से क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों? सीएसआईआर में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत लो होते हैं। यही वजह है कि आज तक इस एग्जाम की जो कंपटीशन है वो मेंटेन है, इसकी कट ऑफ इतनी लो जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। एक तो आप ये समझ सकते हो लाइफ साइंसेज में बॉटनी के स्टूडेंट, जूलॉजी के स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट, बायोटेक सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगा। नो डाउट सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, बॉटनी के स्टूडेंट को बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है, जूलॉजी भी पढ़नी है, तो ऑब्वियसली आपके लिए लेंदी हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, एक आइडियल स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन फिनिश कर चुके हैं, बहुत से बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश करने के बाद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, यानी आप जब एमएससी में एडमिशन ले लेते हो और फिर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आप एमएससी में उन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका एमएससी फिनिश होने से पहले ही अगर ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, तो आपको जेआरएफ के थ्रू ईजिली पीएचडी में कहीं पे भी एडमिशन मिल सकता है। नहीं तो अगर आप एमएससी के बाद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपका वो टाइम किल होगा, आपको क्या बोलते हैं पीएचडी के लिए वेट करना होगा। दूसरी चीज़, अगर कुछ बच्चे पीएचडी के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो नो डाउट आप जानते हो कि साइंस के स्ट्रीम में अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो लैब वर्क बहुत हेक्टिक होता है, तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है साथ ही साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना जब वो पीएचडी कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप रेफरेंस बुक नहीं भी देख रहे हो, तो आपके पास कुछ शॉर्ट बुक्स ज़रूर होने चाहिए। इन बुक्स में मैं एक बुक्स को और ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ बायोटेक्निका। बायोटेक्निका के भी शॉर्ट मटेरियल्स आते हैं, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। हर यूनिट की उनकी एक शॉर्ट बुक आती है, आप उनको भी परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, आपने देखा भी होगा बायोटेक्निका। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, जो एसेंशियल बुक है लाइफ साइंसेज पार्ट 1 पार्ट 2, ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। टेस्ट एंड इवोल्यूशन और कैटलिस्ट, ये आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। आप नो डाउट ज़रूर पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करिए। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएसआईआर की लाइफ साइंस को सीरियसली उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन ढेर सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज़ का, इवन फ्री टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। जो भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप कोचिंग के थ्रू किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ कोचिंग पे भी आपको टेस्ट मिलेंगे ज़रूर करने के लिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी कोचिंग से जुड़े नहीं हो, तो आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि आपको वीकली या एटलीस्ट मंथ में 2 बार आपको ये पता लग सके कि जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी सही डायरेक्शन में पढ़ाई जा रही है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तीन यूनिट्स जो शुरुआत में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इनमें देखने को मिले, और बहुत सीएसआईआर के बच्चे बहुत ज़्यादा कह दीजिए इम्पोर्टेंस देते हैं इन तीन यूनिट को। और नो डाउट देखिए, सीएसआईआर में कई बार बहुत सी यूनिट रिलेटेड है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सेल बायोलॉजी यूनिट की बात करूं, तो सेल बायोलॉजी यूनिट बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है ये सेल सिग्नलिंग पोर्शन से। जब आप ये लॉडिश की बुक पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि उसमें सेल कम्युनिकेशन यानी सेल सिग्नलिंग का भी पोर्शन दिया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि आपको किस पैटर्न में पढ़ाई करनी है। जब
आप टेस्ट एंड इवोल्यूशन में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अगर मैं एनिमल फिजियोलॉजी की बात करूँ तो एनिमल फिजियोलॉजी में नो डाउट नर्वस सिस्टम भी है, एंडोक्राइनोलॉजी भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप पाओगे सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस एनिमल फिजियोलॉजी के सेक्शन में। तो अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम सिर्फ दो ही तीन पोर्शन एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ें, तो उन दो तीन पोर्शन में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम को कंसीडर करना ही पड़ेगा, बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हो तो आप फोटोसिंथेसिस को इग्नोर नहीं कर सकते, आप प्लांट हॉर्मोन्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, आप प्लांट वाटर रिलेशनशिप को एक बार की इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको प्लांट वाटर रिलेशनशिप से बहुत रेयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हुआ होगा CSIR का जहां फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन ना मिले। तो ये आपको आइडेंटिफाई जरूर करना है कि जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हो उस यूनिट में भी कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कहने को तो सेल बायोलॉजी में आपको सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स भी पढ़ने हैं, जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गॉल्जी बॉडी, लेकिन क्या अब इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन टारगेटिंग से क्वेश्चन सेल बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, और ये चीज़ आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, आप CSIR लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको आई होप ये पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आई एम श्योर 5 से 6 महीने में आप CSIR लाइफ साइंस की स्टडी कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एटलीस्ट 8 यूनिट आपको, ये जरूरी नहीं कि ये यही 8 यूनिट हो, कोई भी 8 यूनिट आप प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, किसी भी ऑनलाइन, यूट्यूब, किसी भी मीडियम में टेस्ट सीरीज़, कहीं पे ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज़ हो उसको ज़रूर सॉल्व करें, जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप अपने कलीग से शेयर करें जो CSIR लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस जो भी मैंने पोर्शन समझाया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर करूँगा। साथ ही साथ मैं उन बच्चों को भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ जो CSIR लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हम लोगों से भी CSIR लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। CSIR पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ हम डेली लाइव क्लासेस चला रहे हैं। अभी नया बैच CSIR का स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मैं इंडोक्राइनोलॉजी और दूसरे टीचर्स बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ये प्लीज़ अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।